रायगढ़ जिले के घरघोड़ा नगर पंचायत की राजनीति किसी न किसी मामले में हमेशा सुर्खियों में रहती है। इसी क्रम में घरघोड़ा नगर पंचायत में अध्यक्ष विजय शिशु सिन्हा के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, जहां एसटीएम के द्वारा घरघोड़ा नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए 31 अगस्त को चुनाव प्रतिक्रिया पूर्ण की गई। वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं ने चुनाव प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाते हुए चुनाव का बहिष्कार किया। बता दें कि नगरीय निकाय चुनाव वर्ष 2019 में भारतीय जनता पार्टी के 5 पार्षद, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के 8 पार्षद और 2 निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव जीतकर आए थे। कांग्रेस पार्टी के पास बहुमत होते हुए भी कांग्रेस वोटिंग की वजह से भारतीय जनता पार्टी के 5 पार्षदों के साथ नगर पंचायत घरघोड़ा में विजय शिशु सिन्हा को अध्यक्ष बनाया गया था। अब अध्यक्ष के कार्यकाल से नाखुश पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव लाया। अविश्वास प्रस्ताव पर हुए मतदान में भाजपा के बहिष्कार के बाद भी 11 पार्षदों की सहमति के साथ सुरेंद्र चौधरी निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। सुरेंद्र चौधरी के निर्विरोध चुनाव जीतने से घरघोड़ा क्षेत्र में खुशी की लहर है। में भी अध्यक्ष का चुनाव निर्विरोध हुआ। लालजीत सिंह भैया के टक्कर में यहाँ पर और कोई नहीं है, कोई प्रत्याशी नहीं होने के कारण उन्होंने उनके द्वारा एक अपने अपना क्या बोलते हैं इसको के लिए यह वो किया बहिष्कार का काम, बहिष्कार के लिए उसमें प्रोपेगेंडा रचा जो कि निष्फल रहा। और आज हम लोग के द्वारा सभी पार्षदों 10 पार्षद हमारे सभी पार्षदों द्वारा मुझे एक निर्विरोध रूप से अध्यक्ष का ये बात तो तय था पहले से। जनादेश पूरा कांग्रेस के पक्ष में आया था, बहुमत पूरे कांग्रेस पार्षदों का था, लेकिन चलो ये कहते हैं कि बीजेपी वाले कि कांग्रेस सरकार में काम नहीं होता है, ऐसा समझ के उनको अवसर भी मिला, बीजेपी का अध्यक्ष चुना गया। लेकिन देखा 3 साल में जनता ने वहाँ के पार्षदों ने कि आपको मौका मिला भी है, इसके बाद भी कांग्रेस सरकार की इतनी देन है कि नगर पंचायत में कोई प्रकार की पैसे कमी नहीं, लेकिन नगर का विकास रुका हुआ था। अंततः देखा उन्होंने तो उनके बीजेपी पार्षद ने भी इसको सहयोग किया कि स्वाट आया जाए, ये सक्षम नहीं है। आप सब जानते हैं 3 साल भाजपा के लोग नगर पंचायत घरघोड़ा में बैठे थे, जनता त्रस्त थी, कोई विकास काम हो नहीं पा रहा था और जनता की मांग पे हम लोगों ने उनके खिलाफ विश्वास लाया था, जिसमें हमने 3/11/11 पे पार्षद हमारे पक्ष में सहमति दिए थे और अध्यक्ष को हटाए थे। इतना ही नहीं, एक पार्षद भाजपा का भी हमारे समर्थन में अनुपस्थित रही और 11/11 वोट से हमने जीता था। के माध्यम से जो है हमारे सभी कांग्रेस समर्थित पार्षदों ने हमारे नगर पंचायत में पुनः कांग्रेस की सरकार बनाई है, इसके लिए मैं सभी को बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं।